हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये मेरी चैनल की फर्स्ट वीडियो है, आई होप आपको पसंद आए। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 1.20.1 को फैब्रिक को कैसे इंस्टॉल करें एंड उसमें रिप्ले मोड को कैसे इंस्टॉल करें भाई। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वैसे आपको मोड और जटर चिपर एप्लीकेशन ऑन कर लेना है एंड आपको मोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी आपको जटर चिपर ऑन करके डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाने के बाद फैब्रिक रिपर वाला फोल्डर आपको मिल जाएगा एंड इसको आपको वन क्लिक करके एक्स्ट्रा टेयर का ऑप्शन आएगा, तो एक्स्ट्रा टेयर आपको कर देना है। मैंने तो कर रखा है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। एंड ये आपको यहाँ पर फोल्डर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो भाई, आपको जो जो मैं फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ यही करनी है, बस ये फैब्रिक इंस्टॉलर को छोड़ देना है एंड आपको कॉपी या कट कर लेना है। मैं कॉपी कट कर लेता हूँ एंड डिवाइस मेमोरी एंड्रॉयड डाटा और नेट डॉट के डी डी वाले फोल्डर में जाना है एंड फाइल्स डॉट माइनक्राफ्ट एंड देन मोड्स में जाके आपको पेस्ट कर देना है। एंड आपका ये अप्लाई हो चुका है एंड उसके बाद आपको अपना गेम खोल लेना है। मैं अपना गेम खोल लेता हूँ। गेम खोलने के बाद आपको एक्सक्यूट जार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फर्स्ट क्लिक, एंड आपको दिख रहा होगा ये। एंड मैं क्लिक कर देता हूँ और आपको जो मेरा फोल्डर था डाउनलोड में आपको दे रखा था एंड उस पर आपको चले जाना है एंड आपको यहाँ पे फैब्रिक इंस्टॉलर वाला फोल्डर देख लेना है। तो ये रहा फैब्रिक इंस्टॉलर वाला फोल्डर एंड इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको इस टाइप का ऑप्शन आएगा। सो आपको कट करके माउस को ऑन कर लेना है एंड आपको वेट करना है एंड यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट बोलेगा, तो आपको जो आपका वर्जन है 1.20.1 उसको आपको सेलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। एंड ये रहा, सो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका इंस्टॉल हो रहा है, तो आपको वेट करना है थोड़ा बहुत। सो गाइस, इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको ओके ऐसा ऑप्शन आएगा, तो ओके कर लेना है एंड आपको ऊपर साइड फोर्स क्लोज का ऑप्शन दिखेगा, उसको फोर्स क्लोज करके ओके कर लेना है। एंड आपको सेटिंग में चले जाना है पहले तो, एंड वीडियो एंड रेंडरर में आपको चले जाना है, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो। एंड ये जो रेंडरर है ना, ये रेंडरर डिस्को हॉली GL4ES पे आपको सेलेक्ट कर देना है जैसा कि मेरा करा हुआ है। एंड आपको बैक आके अपना फैब्रिक लोडर को सेलेक्ट कर देना है, तो मैं जल्दी से सेलेक्ट करके प्ले कर देना आपको, ठीक है। तो ये रहा अपना एंड मैं प्ले कर देता हूँ फटाफट से। प्ले करने के बाद आपको थोड़ा रुक जाना है एंड आपको इस चीज में डाटा ऑन करके रखना है भाई। एंड आपको ओके पे क्लिक करके जो सेटिंग का ऑप्शन है इसको क्लिक करके आपको लॉग आउटपुट को ऑन कर लेना है एंड आपको ऐसे की मतलब क्या बोलते हैं इनको, कीवर्ड्स मिलेंगे मतलब। सो अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका नहीं चल रहा है एंड आप वीडियो को फिर से देख लेना अच्छे से, तो आपका ये फुल्ली वर्क करेगा। मेरा भी फुल्ली वर्क करा एंड मेरा कोई लैग एंड क्रैश नहीं हुआ। पहले जो मैंने करा था ना पहले वाले, तो उनमें बहुत लैग और क्रैश करा था एंड इसमें आपको FPS भी ठीक मिल जाएगी एंड लैग भी ठीक मिल जाएगा। एंड जब आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो आपका गेम खुल जाएगा और आपको इसको कट करके आपको गेम में चल जाएगा एंड इसमें आपको मोड मेन्यू का ऑप्शन भी मिल जाता है जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया था। एंड आपको माउस ऑन कर लेना है एंड याद रख सकते हो भाई, आप मेरा पूजा लॉन्चर हो चुका है इंस्टॉल एंड यहाँ देख सकते हो भाई अपना इंस्टॉल हो चुका है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।